अगर आप क्लास टेंथ यानी मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आगामी वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, हिंदी चैप्टर 12 के सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर एक है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। चार ऑप्शन, भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ ठाकुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर दो है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। चार ऑप्शन है, पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, हृदय की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर तीन है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। चार ऑप्शन है, 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, 1892 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक, 1894 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, 1893 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, 1893 से 1914 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर चार है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, साक्षरता। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, अहिंसक प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर पाँच, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, शिक्षा और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर छः, गांधी जी की पत्नी का नाम था। इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा कस्तूरबा। क्वेश्चन नंबर सात, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। चार ऑप्शन है, पंचजन्य, शंखनाद, हरिजन, अर्चना। इनका सही ऑप्शन होगा सी, हरिजन। क्वेश्चन नंबर आठ, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। इनका चार ऑप्शन दिया गया है, ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी। इनका सही ऑप्शन होगा बी, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर नौ, उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। चार ऑप्शन, श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार, पालन। इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर दस, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है पोरबंदर, सूरत, साबरमती, कोई नहीं। इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, महात्मा गांधी की रचना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाब, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा बी, शिक्षा और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर बारह, गांधी जी की माता का क्या नाम था। चार ऑप्शन आपके सामने है, बतूलनबाई, पुतलीबाई, जानकीबाई, देवमतीबाई। इनका होगा पुतलीबाई। क्वेश्चन नंबर तेरह, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है महाविद्यालय, भारत में अंग्रेजी राज, मार्क्सवाद, द कास्ट इन इंडिया, और ऑप्शन डी में है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इनका सही ऑप्शन होगा आपको डी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्वेश्चन नंबर चौदह, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, महात्मा गांधी के। ऑप्शन चौदह का सही ऑप्शन आपको होगा सी, महात्मा गांधी के। क्वेश्चन नंबर पंद्रह, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर सोलह, दस्तकारी का अर्थ है। चार ऑप्शन, यंत्र पर आधारित, कौशल, हस्तकौशल, दस्तक देने वाला। ऑप्शन सी, हस्तकौशल। क्वेश्चन नंबर सत्रह, अमल का अर्थ है। चार ऑप्शन, ए में व्यवहार, ऑप्शन बी ओ व्यवहारिक,
ऑप्शन सी स्वच्छ, ऑप्शन डी अस्वच्छ। इनका ऑप्शन होगा ए व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? चार ऑप्शन, किताब, विद्यालय, दस्तकारी या उद्योग। क्वेश्चन नंबर 19, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? चार ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, सी महर्षि अरविंद की, डी महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 20, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं? चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, इनका सही ऑप्शन ए होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 21, हरिजन के संपादक कौन थे? चार ऑप्शन, माखनलाल चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय। इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 22, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 20 जनवरी, 18 फरवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त। ऑप्शन सी होगा 2 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? चार ऑप्शन आपके सामने, एकता का, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, ऑप्शन सी मानवता का, ऑप्शन डी विविधता का। इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है? चार ऑप्शन है, शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, डी में है इन सभी के विकास में। तो इनका ऑप्शन होगा डी इन सभी के विकास में। क्वेश्चन नंबर 25, टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? चार ऑप्शन, अमेरिका के, इटली के, रूस के, दक्षिण अफ्रीका के। यानी टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो इनका ऑप्शन होगा सी रूस के। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं? इनके चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, महात्मा गांधी, शेक्सपियर, टॉलस्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तो इनका होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये आप सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 29, यंग इंडिया क्या है? चार ऑप्शन, पत्रिका, नौजवानों का समूह, संस्था, पुरस्कार। ये होगा पत्रिका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि, नाटककार, सी ए और बी दोनों, ऑप्शन सी होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? चार ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, श्रीलंका। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी लंदन। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 1893 से 1914 ईस्वी तक, 1895 से 1916 ईस्वी तक, 1997 से 1918, 1999 से 2020, 1920। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए 1893 से 1914 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 33, गांधी जी के दो हथियार थे, लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, डी में है अहिंसा और सत्याग्रह। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी अहिंसा और सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 34, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, नाट्य कला, हस्तकला, अहिंसा, सत्याग्रह। तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी हस्तकला। क्वेश्चन नंबर
35 महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी 30 जनवरी 1948। क्वेश्चन नंबर 36, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग से तालीम देने की भरसक कोशिश की? इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा अहिंसक प्रतिरोध। तो इस प्रकार से आपने इस चैप्टर से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर जाना। आप क्लास 10th का क्रेश कोर्स करना चाहते हो, रेस्ट चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव जानना चाहते हो, सब्जेक्ट का भी, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।